Hello students, welcome to Sarans Biology, the channel that is dedicated to better learning in biology. Today for class 9, we are going to discuss the cell. In the previous video, you have seen how cell was discovered. What cell is all about, you have got certain understanding. But today, we'll start a series where we'll start investigating into the structural details of a cell. What cell is made up of? Hum baat karenge, cell किन चीजों से बनी हुई होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल व्हिच इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको पता है, यदि आप घर की बात करें तो घर बिना आउटर बाउंड्री के बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर नहीं है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। Yes, as you can see, what cell is made up of? The gross idea जो आपने अभी तक पढ़ा है कि cell के अंदर में एक nucleus होता है, उसके बाहर में एक membrane होता है, but a big question, does every cell has got nucleus? Think of the answer. Let me make it clear to you. No. Nucleus और membrane bound nucleus सभी cells में नहीं होते हैं. There are two types of cells. जिनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक सेल जिनके अंदर में न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स जो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही कोई सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन्हें हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं या प्रोकैरियोट कहते हैं, और जो एडवांस सेल होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि यूकैरियोटिक सेल्स बने किन चीजों के होते हैं। उनमें तीन कंपोनेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, द आउटर मोस्ट कवरिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आप जो यहां देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। बट अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, इसे आप कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉन लिविंग but it is very very important. Why and how, that we'll again discuss. Inside you have got fluid like substance which you call as cytoplasm. Cytoplasm ko aap do part mein dekh sakte hain, kai bar thode se granulated cytoplasm honge jis jo endoplasm banayega andar ki aur towards nucleus, aur the ectoplasm the clearer part. Then you find here out the central dogma, the central control unit, the nucleus, which is bounded by the membrane. तो ये बात होगी यूकैरियोटिक सेल्स की। बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर प्लांट सेल हो तो वहां पे एक और एडिशनल कवरिंग होती है जिसे आप सेल वॉल कहते हैं, जो कि बना होता है सेलुलोज का। ये वही सब्सटेंस है जिससे आपका पेपर बनता है, राइट? सो लेट्स मूव फर्दर। सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? बिल्कुल सही, 1665। और तकरीबन 20 साल के बाद, 210 साल कह लीजिए, दो अराउंड 190 इयर्स टू बी प्रिसाइज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की गई नेगेली एंड क्रैमर के द्वारा। उन्होंने देखा कि हर सेल बाहर से कुछ खास स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं जिसे वो कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो सेल के कंटेंट को, ये देखिए अंदर का कॉन्टेंट है, उसको बाहर के कॉन्टेंट से सेपरेट करता है। और इसकी मेन फंक्शन में आप देख सकते हैं, इट अलाउज entry and exit of substances from inside to outside and from outside to inside. तो ये भी एक function है, ध्यान रखिएगा। आखिर ये बना किस चीज का होता है? आप सभी ने सैंडविच खाया है? बिल्कुल। अगर आप सैंडविच देखें तो you'll find there are two bread pieces और उनके बीच में there is some stuffing. Depend करता है, चीज है, salad है, whatsoever. So plasma membrane को आप ऐसे समझ सकते हैं, it's a sandwich. But bread किस चीज का बना है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये खास मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में आपको बना के दिखाता हूं इस प्रकार से, इट्स अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और ये वाला एंड जिसे आप देखेंगे, ये एंड पानी की ओर अट्रैक्ट होता है, सो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, वाटर लविंग एंड। और जो टेल पार्ट होता है, ये पानी को पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाइड्रोफोबिक एंड। तो ये दो लेयर में क्यों होता है? क्योंकि सेल के बाहर भी पानी और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी वाटर, सो इनका ये अरेंजमेंट बचाता है हाइड्रोफोबिक टेल को, ठीक है?
अब सोचने वाली बात है कि भाई मूवमेंट करना हो तो यहां से यहां कैसे जाएंगे, आपने देखा है इसके लिए बहुत स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स आर सैंडविच इन बिटवीन दीज लेयर्स, राइट, दीज कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। सो ये प्रोटीन्स सैंडविच होते हैं किनके बीच में, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, दो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रोटीन सैंडविच होते हैं, आप देखिए। और इनके सरफेस पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिससे आपके ब्लड ग्रुप में मदद मिलती है। ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप के बारे में, ए बी ओ, तो आपका जो रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस पे ये कुछ सुगर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके कारण उनकी ग्रुपिंग होती है। हम किसी और वीडियो में इसकी बात करेंगे। बहरहाल आपने बहुत क्लियरली समझना है, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर, वन लेयर, द सेकेंड लेयर, इट ऑल्सो हैज गॉट सम कॉम्पोनेंट्स लाइक सम साइटोस्केलेटन, कोलेस्ट्रॉल, बट प्राइमली इट इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन। सो दैट इज हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या काम है, आपने देखा बनी किस चीज से है, करती क्या काम है। सो इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ मटीरियल, फ्री मूवमेंट, चीजों को अंदर से बाहर निकलने नहीं देती है या बाहर से अंदर आने नहीं देती है। सो किसे अंदर आने देगी, इट विल सेलेक्ट, इफ समथिंग इज यूजफुल देन ओनली इट कैन कम। सॉल्यूट या पार्टिकल्स को अंदर आने ये नहीं देगी, बट इट विल अलाउ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड लाइक वाटर, राइट। सो इट इज वेरी थिन, इलास्टिक, लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। सो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, जैसे आप स्कूल गेट पर आते हैं आपके जो गार्ड होते हैं वो देखते हैं आपका आई कार्ड और आपको अलाउ करते हैं, इट डज नॉट अलाउ एवरीवन एंड एनीवन फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके अलावा इट सेमी परमिएबल, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड वाटर बट डज नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंस कैसे मूव करेंगे, आयंस वगैरह, उसी के लिए ये खास प्रोटीन्स होती हैं इनके बीच में जो गेट या चैनल बनाती है। उसके अलावा देखिए न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म तो कहती है, उसके अलावा सेलुलर कंपोनेंट को बचाती भी है, प्रोटेक्शन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट। उसके अलावा कई सारे सेल ऑर्गेनेल को बनाने में भी ये मदद करेगी। अब यहाँ एक बढ़िया सवाल हो सकता है कि आखिर सब्सटेंस कैसे मूव करती है, बाहर से सेल के अंदर और सेल के अंदर से बाहर, राइट। सो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कैन टेक प्लेस इफ देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सपोज कीजिए दो टीम है, एक टीम में 10 लोग हैं और दूसरी टीम में 4 आदमी है और आपको क्रिकेट मैच खेलना है, क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यू नीड टू हैव मूवमेंट ऑफ सम प्लेयर्स फ्रॉम टीम ए टू टीम बी। सो बाय द टाइम द मूवमेंट कम्स 7-7 प्लेयर हो गए, यू कैन हैव इट। सिमिलरली अगर जो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड है वो कम है और बाहर में ज्यादा, तो बाहर से अंदर प्योर आएगा। गैसेस भी वैसे ही एक्सचेंज होते हैं, आप देखें एनवायरमेंट में, एटमोस्फेयर में जो गैसेस हैं, गैस का एक्सचेंज भी डिफ्यूजन के कारण होता है। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ध्यान रखने वाली बात है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। अगर अगरबत्ती जलाई जाती है तो आपको खुशबू दूर तक आती है, कैसे और क्यों, बिकॉज द फ्रेग्रेंस दैट डिफ्यूजेस विद द विंड मॉलिक्यूल रीचेस योर नोज, सो दैट्स वेयर यू कैन फाइंड इट आउट। आप देखिए यहां एक छोटा सा एनिमेशन आपके लिए, बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगाया है जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी ये सॉल्यूट को जाने नहीं देगा। यहां शुगर को इंडिकेट किया गया है विद अ ग्रीन बॉल एंड वाटर इज विद अ ब्लू बॉल। सो आप देखिए जैसे ही इस मेम्ब्रेन में हम रखेंगे और दोनों तरफ में क्या अंतर है, इधर में शुगर ज्यादा है और इधर बिल्कुल भी नहीं है, यानी वाटर का कंसेंट्रेशन किधर ज्यादा है, आई थिंक टुवर्ड्स ए, और किधर कम है, टुवर्ड्स बी। सो इन दैट केस वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है, इज इट नॉट, इट्स अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट इस स्पेशल केस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद कर लीजिए, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन where movement of water takes place from higher concentration to lower concentration. आप पढ़ेंगे कि diffusion बहुत role play करता है, जैसे आप देखिए पत्तियों में या plants में gases exchange कैसे होता है, उनके अंदर कोई वैसे lungs या respiratory system नहीं है, so it only takes place through diffusion.
राइट. फूड जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. उसके बाद आयन सॉल्यूट या बाकी चीजों का मूवमेंट हमारी बॉडी में वो भी डिफ्यूजन से ही होता है या इन सर्टेन केसेस ऑस्मोटिकली इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट एक आपका सवाल हो सकता है कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के लिए एक क्राइटेरिया है कि हमेशा मूवमेंट कैसे होगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन. बट क्या ऐसा हो सकता है कि सब्सटेंस लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जाए? बिल्कुल हो सकता है. आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके घर के आसपास में कोई स्लोप है, एक रोड डाउन जा रही है, नीचे की ओर जा रही है और आप साइकिल चलाते हैं, तो स्लोप पे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं क्या आपको मेहनत लगती है? यू गो डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. बड़े मजे में आप जाते हैं. लेकिन जब नीचे से ऊपर आने की बारी होती है तो क्या होता है? यू नीड मोर अमाउंट ऑफ मस्कुलर एनर्जी. जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही अगर लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करना पड़े तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए कुछ खास मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैरियर्स या एंजाइम्स होते हैं. सो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो वी विल आल्सो सी द ट्रांसपोर्टेशन टाइप. इट कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज नो कैरियर, नथिंग एट ऑल. इट ओनली मूव्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. आप यहां देख सकते हैं जिस चीज को हमने एनिमेशन में दिखाया कि व्हाट इज हैपनिंग. The movement takes place from higher concentration. जैसे यहाँ पे पानी का concentration देखिए, अगर इसे हम B मान लें, इसे हम A मान लें, chamber A मान लें, तो water is more. और solute, जो sugar molecule ले लीजिए, salt कह लीजिए, that is less in this chamber. So water will move from B to A. यानी अगर दो container को separate किया गया हो semi-permeable membrane के द्वारा, देखिए ये semi-permeable membrane का होना जरूरी है, then movement of water will take place from its higher concentration या lower concentration of solute to higher concentration of solute. है ना, जब solution बनाते हैं तो जो कम amount में चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं solute, और ज्यादा amount में होती है उसे हम कहते हैं solvent. So generally अगर आप शरबत बनाए तो पानी is the solute and sugar is the solvent. Is it? No, other way around. Water is solvent and sugar is solute. Be very very clear about the understanding. चलिए हम बात करते हैं अब significance of osmosis की. अब आपने देखा है कि roots अगर water absorb करते हैं तो कौन सा water उनको available होता है? Soil particle के बीच में मौजूद water उनके बीच में होता है, जिसको हम hygroscopic water कहते हैं. अब ये water absorb कैसे करेंगे? Root के अंदर में कुछ special appendages होते हैं, इनको आप root hair कहते हैं. So by osmosis this water is taken inside the root hair. उसके अलावा आप देखेंगे जब leaf के section को देखेंगे तो उसमें कुछ tiny holes होते हैं, tiny pores होते हैं, जिनको आप कहते हैं stomata. वो stomata फूलने से या बंद होने के कारण चीजें अंदर से बाहर नहीं आएंगी या बाहर से अंदर नहीं जाएंगी, जैसे gate की तरह है. अगर ये फूल गया then what will happen? The gate will open. So you see here out water movement, when water moves inside the stomata, so how it will move? It will move by osmosis, right? And the stomata will swell up, causing the stomata to open. Whereas jab isse pani nikalta hai, so it becomes flaccid, and then in that case the stomata closes. Uske alawa aap dekhiye jab phal sukh jate, sabziyan sukh jati hai, ya fir usme to bahut important nahi hai, lekin jab seeds hoti hai, seeds ko rakhte hain तो वो सूखती है तो इट लूजेस वाटर, राइट? सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. ऑस्मोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिविंग वर्ल्ड. आइए एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. अभी तक हमने देखा अगर दो सॉल्यूशन को हम एक दूसरे के आसपास रखें, सपोज कीजिए हमने यहां पे एक चैम्बर लिया ए एंड द सेकेंड चैम्बर इज बी एंड दिस इज कनेक्टेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये कनेक्टेड होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. सो इसमें हम वाटर डाल देते हैं दोनों में. देखिए तीन बातें हो सकती हैं. वाटर का कंसंट्रेशन ए में बी से ज्यादा होगा, यानी फर्स्ट केस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए शुड बी ग्रेटर देन बी. ओके, सेकेंड केस
obviously you are right, concentration of A is less than B. We'll take examples also. There is a third possibility also. Concentration of A is equal to B. So, पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये रिलेटिव वर्ड है ना? आपको दो रेफरेंस लेने पड़ेंगे। जैसे अगर सेल मान लीजिए, हम मान लेते हैं सेल है और इसके बाहर में मीडियम है, एक्सटर्नल मीडियम है। अगर यहां जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो किसके मुकाबले, सेल के मुकाबले, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सॉल्ट इन सेल इज मोर बट आउटसाइड इज लेस, दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड इज मोर, सो इन दैट केस दिस सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा आप बताइए? बिल्कुल सही, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम द मीडियम टू द सेल। और लगातार पानी अगर अंदर आता जाए तो क्या होगा? जैसे आप खूब सारे चीजें खाते जाए क्या होगा? पेट फूल जाएगा आपका। सो सेल विल ऑल्सो सेल। एक दूसरा केस ले लेते हैं। दिस इज द मीडियम, उसके अंदर सेल है। अब सेल में जो है वो सॉल्ट बहुत कम है और बाहर में सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी पानी बाहर कम है और अंदर ज्यादा है। तो आपने पढ़ा कि वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इन दैट केस द सेल विल लूज वाटर। तो इस सॉल्यूशन को जिसके अंदर सेल है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सेल क्या होगा बताइए? व्हाट विल हैपन टू द सेल? सेल विल श्रिंक, राइट। एक तीसरा कंडीशन भी, अगर कंसेंट्रेशन ऑफ सेल इज इक्वल टू दैट ऑफ आउटसाइड सॉल्यूशन देन देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आएंगे कुछ अंदर से बाहर जाएंगे वाटर की, एंड इट विल बी इन बैलेंस, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसे आप कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां देखिए आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को अगर डाला जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे आप? सॉल्ट सॉल्यूशन, मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन आप बना देते हैं। समुद्र में जब आप नहाने जाते हैं तो देखिए आपकी चमड़ियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं, योर बॉडी टेंड टू लूज सम वाटर। वैसे ही आरबीसी विल लूज वाटर और इट विल श्रिंक। जबकि अगर आप उसी सेल को डिस्टिल्ड वाटर में डाल दीजिए, देन व्हाट विल हैपन? वाटर आउटसाइड इज मोर, देयर इज नो सॉल्ट इनसाइड, सो पानी बाहर से अंदर की ओर आएगी। सो बाहर से अंदर की ओर जब वाटर आएगी दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस, और अंदर से बाहर की ओर जाएगी देन इट इज कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। तो ध्यान रखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी भी सेल को डालेंगे तो क्या होगा? सेल के अंदर वाटर या वाटर आएगी, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। इसके विपरीत अगर हम किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सेल को डाल दें तो वहां पे वाटर विल मूव आउट फ्रॉम द सेल एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल टेक प्लेस, इट विल बी परफेक्टली इन बैलेंस। विल सी देम वन बाय वन। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हो रहा है, यानी बाहर में क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो व्हाट इज द रिजल्ट? द नेट रिजल्ट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ सेल, एंड इन दैट केस सेल विल स्टार्ट स्वेलिंग, इट मे बर्स्ट, ये बर्स्ट कर सकती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। यहां आपको एक हिंट मिलता है कि आपके पास तो ऑप्शन है, एनिमल के पास ऑप्शन है टू रन अवे इफ द कंडीशन इज हाइपोटोनिक आउटसाइड, यू कैन मूव अवे, बट व्हाट अबाउट प्लांट? प्लांट cannot move, it is fixed to a place. और बारिश में या अन्य conditions में जब उसे बाहर में hypotonic medium मिलता है तो cell damage ना हो जाए इसके लिए उसके अंदर एक बाहरी covering भी होती है, a part of cell membrane, and that is called as cell wall, right? Second condition isotonic, देखिए जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी अंदर से वापस आ गया, so it's in balance, यानी मैंने आपको 10 रुपए दिए आपसे 10 रुपए वापस ले लिए, you have got the same amount of money, right? ये कब होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सेम इन सराउंडिंग एज वेल एज इन द गिवन सेल। थर्ड केस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां देखिए क्या होगा, बाहर में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन कम है और सेल में ज्यादा है, सो व्हाट विल हैपन? वाटर विल मूव फ्रॉम सेल, देखिए सेल से पानी का मूवमेंट बाहर की ओर होगा, एंड दिस मूवमेंट विल कॉज द सेल टू श्रिंक। आप सोचिए यहां जरा, अगर प्लांट सेल होता तो क्या होता? क्योंकि सेल वॉल रिजिड है,
नॉन फ्लेक्सिबल है तो क्या सेल वॉल श्रिंक करेगा या सेल मेम्ब्रेन से श्रिंक करेगी? सोचिए, थोड़ी देर में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब चीजें जब बाहर से अंदर आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस कैन अगेन बी ऑफ टू टाइप्स। देयर कैन बी सम सॉलिड मटेरियल व्हिच कैन कम इनसाइड, उसे हम सेल ईटिंग कहते हैं। वो किस प्रकार से होगा? सब्सटेंस आएगा और सब्सटेंस आने के बाद में सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसेगा। इट विल मेक अ वैक्यूल, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर में फूड जो चीजें हैं वो बंद हो गई और वो सेल के अंदर आ गया। इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आल्सो कॉल्ड एज सेल ईटिंग। भाई बिल्कुल। और अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है, इन सेम वे इट कैन आल्सो गेट इनसाइड एंड देन फॉर्म अ वेसिकल, सो अंदर देयर इज अ फ्लूइड। दिस कॉल्ड एज पीनोसाइटोसिस। जैसे पानी आप पीते हैं, सो पीनोसाइटोसिस। बट नाउ अनदर क्वेश्चन, अभी तक आपने देखा कि ऑस्मोसिस से मूवमेंट हो रहा था, फिर इसकी जरूरत क्यों है फैगोसाइटोसिस एंड पीनोसाइटोसिस की? यस, फॉर द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। सब्सटेंस हैज टू मूव इन बल्क। इतना समय नहीं होगा कि चीजें बहुत देर से अंदर आए, टुकड़े टुकड़े बट के अंदर आए। इट विल टेक टाइम। इन दैट केस दिस एंडोसाइटोसिस हेल्प्स। और सिमिलरली यू विल हैव एक्सोसाइटोसिस आल्सो। यू हैव ऑलरेडी देख लिया मूवमेंट इनसाइड द सेल, एंडोसाइटोसिस। नाउ कुछ चीजें अंदर में बनेंगी एंड दैट हैज टू बी मूव्ड आउट फॉर वेरियस पर्पस, बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स दैट डज फंक्शनिंग ऑफ मेकिंग एंजाइम्स, मेकिंग ऑफ हॉर्मोन्स। सो इन दैट केस जो सब्सटेंस बनी है वो फिर उसी प्रकार से मेम्ब्रेन में पैक होंगी, और वो कौन सा ऑर्गेनल करेगा इसकी बात हम अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। और देन इट विल अटैच इटसेल्फ टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन रिलीज द कंटेंट आउटसाइड। इसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो ये बिल्कुल एंडोसाइटोसिस की ऑपोजिट हो गई। इट इज जस्ट ऑपोजिट टू एंडोसाइटोसिस। सो इस प्रकार से अपने वेस्ट मटीरियल को भी बाहर निकालने का काम सेल कर सकती है या करती है। नाउ कम टू दिस मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सेल वॉल। आपने प्लांट सेल की बात कर ली, प्लांट सेल को देखिए यहाँ पे। यू विल फाइंड इन केस ऑफ प्लांट सेल देयर इज अ स्ट्रक्चर जो रिजिड है, और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। यू सी हियर आउट देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन, बट इट इज इनसाइड द सेल वॉल। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। बड़ी तगड़ी सी स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ये नॉन लिविंग होगा, है ना। सो और देखिए ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिलहाल जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। सो सेल वॉल के कारण अब सेल के शेप पे कोई अंतर नहीं आएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? इट गिव्स शेप टू द सेल। एंड व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? हाँ जी, क्विकली बताइए। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यस, यू कैन राइट इन द कमेंट एज वेल। इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ and also support the internal structure of the cell and protect the cell from osmotic bursting. यहाँ आपको अपने पिछली concept को देखना पड़ेगा। जैसे आपने animal cell को डाला किसी भी ऐसे solution में जो hypotonic है, right? Hypotonic मतलब वहाँ पे water का concentration ज़्यादा है। In that case, water will keep coming from outside to inside and cell will burst. But it does not take place in case of plant cell, right? So that's a special thing that you need to remember. अब क्या होता है? जब प्लांट सेल पानी लूज करता है थ्रू ऑस्मोसिस, सो इट विल श्रिंक। सो श्रिंकेज क्या होगा? सेल वॉल श्रिंक नहीं करेगा, बट साइटोप्लाज्म कम होने के साथ साथ जो आप देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, दैट विल श्रिंक एंड मूव टुवर्ड्स द सेंटर। इसे आप कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसे आप कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, है ना। तो आपने रेजिन्स खाए होंगे, सो दे आर प्लाज्मोलाइज्ड बिकॉज इट हैज लॉस्ट वाटर, राइट। और अगर उसको वापस किशमिश को आप पानी में डाल दें, तो इट विल अब्सॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड ऑल अगेन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टर्जिड हो जाएंगी, राइट। उसे आप कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड, राइट, डीप्लाज्मोलाइज्ड, राइट। सो एंड अगर आइसोटोनिक में हो तो इट रिमेन्स फ्लैसिड, देयर इज नो चेंज, ओके। सो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई प्लांट सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट, राइट। ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल is together called as protoplasm, yani nucleus and cytoplasm with cell membrane called as protoplasm. It is a clear, colorless or slightly translucent jelly-like viscous semi-fluid substance. It can be distinguished into a centrally located nucleus and a cytoplasm, right? So this is about
your cell wall and the cell membrane, right? आप experimentally देख सकते हैं aloe vera leaf को लेकर इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर sucrose solution add कर दिया जाए, so you'll find after some time, after 2 minutes or 5 minutes, what will happen? They are plasmolyzed. और अगर उसे फिर से distilled water में डाल दिया जाए तो they are deplasmolyzed, right? आप देखिए ये experiment आप घर पे कर सकते हैं. Swollen raisin और अगर grapes को salt solution में डाल दें तो it will lose water and it will become kishmish, right? So this is what you should focus on. The first, the outermost boundary of a cell membrane, what it is made up of, what is the function, and what role does it play? And a part of that, we have also seen about cell wall. In our subsequent videos, we'll be talking about other cell organelles. अब अगली बार हम बात करेंगे न्यूक्लियस की बात करेंगे, the control unit की बात करेंगे और न्यूक्लियस के पर बेस्ड कितने तरह के सेल्स होते हैं. I think I have told you in the start beginning itself, there are two types of cells based on the presence of nucleus. They are prokaryotic, no definite nucleus, and eukaryotic, definite and defined nucleus. Till then, read the concept. You can comment and tell about the difficult areas, and you can also visit my blog biologicalexcel.blogspot.com for notes and other relevant material. We'll see you back in the next video. Till then, take good care of yourself, read the concept, and write it.